बाजी प्रभु देश पांडे ने घोड़खिंड पर कब्जा कर लिया पीछा करने वालों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और उनके खिलाफ एक दृढ़ बचाव किया उनके साथ उनके भाई फूलजी प्रभु के साथ साथ शंभु सिंह जाधव जैसे सरदार भी मौजूद थे फूलाजी प्रभु और शंभु सिंह एक वीरतापूर्ण और भयंकर लड़ाई के बाद मारे गए बाजी प्रभु गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन अपने स्टेशन पर लड़ते रहे आदिलशाही सेना ने बार बार दर्रे के बचाव को तोड़ने की कोशिश की लेकिन बार बार खदेड़ दिया गया आसमान लड़ाई घंटों तक चली रक्षकों ने अपनी स्थिति बनाए रखी लेकिन तेजी से घटती संख्या के साथ केवल कुछ ही मराठा बच गए और आदिल शाही सेना के लगभग एक हजार सैनिक पास लेने के प्रयास में हताहत हो गए लड़ाई शुरू होने के पांच घंटे बाद शिवाज की विशालगढ़ में सुरक्षित वापसी की घोषणा करते हुए तोप की आग सुनी गई लगभग 300 मराठा मारे गए थे किन्नुदंती यह है कि एक गंभीर रूप से घायल बाजी प्रभु ने दुश्मन को उलझाना जारी रखा और पास को पकड़ लिया केवल एक बार तोप की आग की आवाज सुनकर अपनी जान दे दी मुट्ठी भर जीवित मराठा फिर पीछे हट गए और योजना के अनुसार जंगल में गायब हो गए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें